मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मैं भी खुद में गुम हो जाऊं I tell you मुझको भी लगता है ऐसे It's all about love It's all about love तू इधर से चली जा नहीं तो मेरा दिमाग साट हो जाएगा इमरान मेरी बात तो सुनो मैं रे बोल रहा था दफा हो जा वादा नहीं मैं अब्बा को भेज रहा हूँ लिप्ता लेने के लिए हाँ बोल मत हाँ बोल मैं उस बैले को खुद ही लिपट दूंगा बिल हम लोग यहाँ से कहीं दूर बहुत दूर चले जाएंगे अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे क्या मतलब सोनिया हम दोनों ही बहनें ठुकरा दी गई हैं क्या अब मैं अपना कैलिबर बढ़ाऊंगी ताकि जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल कर सकूं एक बार बूढ़ी से जाके हैंडल फैंडल बात करके आता हूँ अच्छा जा कर जूं गया और जूं आ यहाँ क्यों बुलाया तारा भाभी अब क्योंकि जो जरूरी बात के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है ना वो ना तेरे घर पे किसी को सुनना अच्छी लगेगी और ना मेरे घर पे ओहो अच्छा खासा सस्पेंस बढ़ा दिया ऐसी क्या बात है सुल्तान ने तुझसे मकान की बात की है मतलब वो इतना सीरियस इस बात पर कि उसने तुम्हें भी बता दिया तू फिक्र नहीं कर मैंने उसे समझाया कि बगैर शर्त के शादी कर ले बाद में सब मैनेज हो जाएगा इतना लालची है ना ये मेरा सल्लू प्यार में शर्तें लगाते हैं और एक मैं हूँ कि मेरा दिल भी उसी पर है और ऊपर से सोनिया के साथ टसल भी चल रही है मेरी इस सल्लू की वजह से तू उस लंबुतड़ी की फिक्र नहीं कर मैं हूँ ना तेरे साथ ये सब मैं तेरे लिए तो कर रही हूँ तो इस बात के लिए मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुझे इसलिए बुलाया है कि सुल्तान लालची नहीं है उस पर ना हीरो बनने का खब सवार है मकान भी तो वो इसीलिए मांग रहा है कि अपना करियर बना सके मगर अगर मगर कुछ नहीं मेरे पास एक प्लान है उसमें तेरे तावुन की जरूरत है वो क्या अब्बा ना तुझसे मिलना चाहते तुम्हारे अब्बा मतलब शुद्धि कोऑर्डिनेटर उस सुल्तान को काम दिलाने के लिए ना वो ये चाह रहे तेरा और सुल्तान का इकट्ठा इंटरव्यू करवाए है मतलब मुझे भी एक्टिंग का चांस मगर तारा भाभी मुझे घर से इजाजत कहाँ मिलेगी अब यही बात करने के लिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया है कि कोई प्लान बना दे तारा भाभी अगर एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी ना नहीं तुम्हारे अब्बा की ना रेपुटेशन बहुत खराब है बोल ले तू भी बोल ले क्या हो गया ये तो उल्टा बिल्ली गले पड़ गई मैंने सोचा कि उससे बात करूंगी उस पर भरोसा करूंगी तो वो कोई हल निकालेगा उस वेटर के बच्चे को सबक सिखाएगा तो उसने उल्टा रिश्ते की पख डाल दी और मेरे हाँ भी कर दी मैं यक ना शुद्ध दो तो शुद्ध एक तरफ बहरा कह रहा शादी करो दूसरी तरफ ये भी कहेगा कि शादी करो किस किस से शादी करूं कहाँ जाऊं समझ ही नहीं आ रही है अजी मुसीबतों में फंसती चली जा रही हूं मैं ये अबे हमायूं कारखाने से जल्दी आ गए क्या हुआ सरोजा रे क्या हुआ मेरे बेटे को क्या हुआ अबे मर्द हो गए लड़कियों की तरह रो जा रही है तो क्या चलूं अब्बा तब तो मेरे दिल से दांत तेल नहीं थी वो कैसे अच्छा अच्छा मैं तेरे लिए पानी लेके आता अम्मा अनवर बोल रहा हूँ जी पुत्र पैसे वैसे भेज रहे हैं ना अरे अम्मा तुम्हें हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है कोई और बात नहीं सोचती अरे पुत्र क्या करूँ इधर सब के उधार जो देने हैं अरे अम्मा फिलहाल मैंने फोन किया था कि टिकट करा के गड्डी पे बैठ के सवेरे पहुँच जा क्यों खैर तो है ना अरे अम्मा
मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे लिए बहू ढूंढी है, तो बस उसके घर सवेरे रिश्ता लेके जाना है। अच्छा, मेरे पुत्र ने मेरी बहू ढूंढ ली है, तो फिर पैसे भेज रहे हैं ना पुत्र? फिर पैसे? हाँ पुत्र, लड़की के घर मिठाई फूल चूड़ी वगैरह लेके जाते, खाली हाथ थोड़े ही जाऊंगी। अरे अम्मा तू आ जा, यहाँ से चीजें मिल जाएंगी ना, और तुम्हें वो भी पैसे दे दूंगा जो तुमने उधार वापस करना है। अच्छा ठीक है, तो मैं हुणे गड्डी का पता करें। ओ मेरी सोनी अम्मा, मैं बस आ अम्मा, मैं बस तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आ जा। ठीक है पुत्र, रब रखा। बड़ा होशियार जोगे शहर जाके। ओ मेरी अम्मा, याला कर दे भला। ये तो ताड़ा लगा पड़ा है, ये किधर चढ़ गई? हेलो, किधर चली गई तू? मैं तारे दरवाजे के आगे खड़ा हूँ। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दिया है मैंने वो घर, वो मोहल्ला, वो गलियाँ और वो लो लाइफ। मेरा वहाँ पे कुछ नहीं रखा। का बोली? तू घर छोड़ के चली गई? हाँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं रही उस गंदे माहौल में रहने की, उस कचरे से भरी गलियों की, उन कूड़े के ढेर की। मैं दोबारा वहां कभी वापस नहीं आऊंगी। का खूब भिगो भिगो के मारी है जितने मारे मुंह पे तू? हिम्मत बोल, तूने मारे को भी छोड़ दिया? तुम तो मेरे कैलेबर के थे ही नहीं मंजुले। मैंने तो सिर्फ तुमसे बात करने का सोचा भी तो अपनी बहन के लिए, कि उसकी जिंदगी या उसका रिश्ता हो जाए। मंजुले तुमसे कहीं ज्यादा मुहासिब मेरे ऑफिस का पियन है। बस कर पूरी, इन्ना जलील मारे को जिंदगी में किसी ने ना किया जिन्ना तूने खड़े खड़े कर दिया। अब मारी बात गौर से सुन ले तू। अगर तू मारे से ना मिलना चाहे ना, तो खुदा की कसम मैं भी तारे से ना मिलना चाहूं। मैं मिलना चाहूं तारे से। हाँ भाई, अब बता ऐसा क्या हुआ है जो तू लड़कियों की तरह रोई जा रही है? अब बता तो है ना, मेरे दिल ते ता तेल लगी थी। असल में तो वो टी वाले आधा ताला भाइयों ते इतने प्यार चलती है अब्बा। हद तेरे की, अबे इतनी सी बात पे रोई जा रही है? अबे उसे तो मुल्क की सैकड़ों लड़कियां चाहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भी सबको चाहे। बदल वो ललतिया की थी दूतलिया मायू तहित को दून कर उसके मैते दित इत मायू तहित के नाम से तोली दिखाती है अब्बा। अबे क्या मतलब? मेरी तारी बातें उसके नाम से लोगों को बता बता के दूध बेचाती है वो। अबे यू शाल नॉट ये भाई। बदल है बहुत प्याली अब्बा, मेरे तो तकवत में प्याल हो दिया अबे। तूने उसे बताया नहीं उस समयों से ऐसे तो शादी होने को रही? तू गिदड़ कॉलोनी में रहने वाली है, गिदड़ कॉलोनी में रहे। मैं बोला इस पर वो बोली एक महीना तत्रह दिन तैल दो, क्या बता दादी हो जाए उससे। अरे ये क्या एक महीना सत्रह दिन की पख डाल दी है उसने? वो बोल ले इतनी तैतालीस दिन का वजीफा हो दिया है, अब एक महीना तत्रह दिन का रह दिया है। तो तू ठहर जाएगा तब तक? मैंने बोला लिता तय गल दे तान पर। तूने ठीक बोला तूने, हम कल ही चलेंगे तेरा रिश्ता लेके उसके घर पे। अब्बा
गया बेटा, तेरा इंतजार कर रही थी मैं। थारे को और कोई काम ना होवे? आई क्यों ना होवे? आई तो हाँ तो कर, काने काम होवे? वो घर छोड़ के चली गई सुसरी। हस कम जहाँ पाक। आई जब प्यार में तेरी जहालत से उतार गई, तेरी शादी हो जाती उससे तो चम छोड़, तू गम ना कर, तो आएगी ना सारे दुख दर्द दूर कर देगी तेरे। जाऊं मैं कट्टो के घर? ये कट्टो तारे जेहन से क्यों ना उतरे? कुछ पता भी है उसके बारे में? पूरे मोहल्ले में किसी सुसरे मायूस सईद के नाम से बदनाम है। मारे लिए यही मिली थारे को? थारे को पता है मायूस सईद कौन है? तो जो भी हो वे गैर मर्द है, गैर मर्द से इसको लावे और तू चली मारे से उसका ब्याह करवाने। अरे मायूस सईद हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अदाकार हो वे, ड्रामों में आवे, फिल्मों में आवे। अच्छा ससुरा नौटंकी है, ड्रामे करे है? इधर नौटंकी ना बोले, आर्टिस्ट बोले। जो भी होवे आर्टिस्ट होवे, जो भी होवे मारे से ये बर्दाश्त ना होवे। मारी जोर होवे और ख्याल किसी और मर्द का होवे उसके दिल में। अरे आर्टिस्ट भी आशिक होना कोई बुरी बात ना होवे। यहाँ तो शादीशुदा औरतें भी आर्टिस्ट पे आशिक हो जाए। कट्टो तो फिर गंवारी है, और कौन सा मायूस सईद की शादी उससे हो जावे हैं? तू अपना ना दिमाग खराब ना कर, बहुत गर्म हो गया है। मैं नींबू पानी बनाऊं थारे वास्ते? रहने दे नींबू पानी। कट्टो ने बड़ी शान पति से ये गेम खेला है। हाँ, अगर उसे हासिल करना है तो उससे ज्यादा शान पति से ऑर्डर सर्व करना होगा। अगर मैं तोतले को जाके बताता हूं तो उधर सब सुन लेंगे और कट्टो का राज खुल जाएगा। इस तरह तो कट्टो हाथ से निकल जाएगी। नहीं उस्ताद, अगर कट्टो का राज खुल गया तो कट्टो अपना बिल नहीं देगी, तो इससे बेहतर है कि चाय को चुपचाप पी ले। ना चिकन यारी को छेड़, ना मुर्ग मिसाले को, बल्कि चुपचाप अपने पायों पे चल कर जा और कट्टो का मग्स खटखटा दे। कट्टो जी। अब्बा मेरी बेटी छोली क्या हुआ, तुमको परेशान परेशान सी लग रही है? नहीं ठीक हूँ। नहीं कोई बात तो है, झूठ ना बोल बाप से। ना आज चहल पहल है, ना अटकेलियां है, ना लड़ाई है, ना शोर है, ना हंगामा है, ना कोई उछल कूद है तेरी, ना किसी पड़ोसी कोई झगड़ा हो रहा है। क्या बात है, खैरियत है ना? हाँ नहीं अब्बा, बस ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सितारे ना गर्दिश में। माँ वाली आदत नहीं गई तेरी, वो भी हर वक्त मायूसी वाली बातें करती थी। मैं देखूं दरवाजे पे कोई आया है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कौन है भाई? आ गया। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। बोलना। अरे अब्बा मेरे बोलते ये दरवाजा बंद कर देंगे, तुम दुदीत आओ। हाँ मेरा नाम सईद है और ये मेरा बेटा है। ये तो आपका तारुफ हो गया, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ, फरमाइए। वो आपकी बेटी है ना कट्टो है, उसका रिश्ता लेने आए जी। कैसे आ गए यहाँ पर? तोतले की थी ना, मैं तो बोलती बंद कर दूँ। अच्छा वो आप अंदर तो तशरीफ आ जाएं। जी शुक्रिया। आइए
आइए आइए, आ जाए आ जाए, तशरीफ रखिए बैठिए। ये कट्टो कहाँ से लेंगे आप? ये मिठाई तो लीजिए आप। इतनी जल्दी क्या है, मिठाई अभी अपने पास रखी है, आराम से बैठे, पहले इत्मीनान से बात कर लें, उसके बाद मिठाई की बारी आएगी। क्या हो गया आपको, बैठिए आप। मैंने जितना मगज मारना था मार दिया, अब तुम मेरे घर में आके एंट्री दो। तो अबे क्या मैं मगज मारी करूं तेरे घर आके? अरे नहीं, आकर उनसे अदब एहतराम से बात करो, ये जिताओ कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, और उन्हें बताओ कि तुम कितने शरीफ लड़के हो। अबे वो क्यों? ताकि उनके जहन से ये फिक्र उतर जाए कि तुम मकान बेचकर खा जाओगे और मुझे तलाक दे दोगे। अबे ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। कौन सा? शरीफ बनके दिल जीतने का? मकान का पैसा खाकर तलाक देने का आइडिया? हाँ भाई, बहुत सारे काम मीठे से हो सकते हैं, तो बंदा कड़वा क्यों खिलाए? अरे क्या सोच रहे हो, तुम्हारे तासुरात से लग रहा है कि तुमने कोई बात बदली है। अबे अनारकली तू बेफिक्र होके घर चली जा, अगर दुकानदार बिजी हो तो ग्राहक आगे निकल जाते हैं, जा जा कमाई शमाई करने दे, अभी सुबह सुबह का टाइम है, जा। भैया बात इस तरह की है कि हमें अपने बच्चों की खुशी में खुश होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अब इसने बोला कि इसे आपकी लड़की पसंद है, तो मैंने बोला ठीक है, शादी तो इसकी मैंने वैसे भी कहीं ना कहीं तो करनी है, तो क्यों ना जहाँ मेरे बच्चे की पसंद हो वहाँ हो जाए तो सबसे बेहतर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मजा आ गया, बहुत अच्छी। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आप रिश्ता मांगने के लिए नहीं आए हैं, आप मुझ पे एहसान करने के लिए आए हैं कि बेटे ने कहा तो मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं चलते हैं, हालांकि हमारी तरफ से ना हाँ हुई है ना हुई है। अरे 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 भाई आप तो नाराज हो रहे हैं, अभी तो हमने अपनी कही है, आपकी सुननी बाकी है, बेटी तो आपकी है ना, मर्जी तो आपकी चलेगी, और वैसे भी मेरा बेटा लाखों में एक है। अरे भाई साहब, ये हर माँ बाप अपनी औलाद को यही कहते हैं कि लाखों में एक है मेरी औलाद, वैसे आप करते क्या? धार लगावे है मेरा बेटा, धार, माशाल्लाह, अपना कारखाना है। किस चीज का कारखाना है? मेरा मतलब है चाकू छुरियां तेज करने वाला, और ये पढ़ा लिखा कितना? हाँ इसमें थोड़ी सी कमी है, लेकिन काबिलियत इंटर वालों से भी कई गुना आगे तक की है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है 9वीं फेल है ये। क्यों बेटा, आगे और क्यों नहीं पढ़ा? बस वो असल में मैं अरे भाई आप ही बोलते रहेंगे, बच्चा आया हुआ है उससे तो बात कर लेने दे, तू जवाब दे बेटा, तू बदल नहीं है ना? अरे नहीं तता, दूंदा नहीं हूँ, तोतला हूँ। तो ले है, है? मैं देख लूं, देख पे तो ना मेरी उर्दू भी खराब की, देखो कौन है गेट पे। तू यहाँ भी आ गया? सलाम अलैकुम पप्पा, ये लड़की के अब्बा है। सलाम अलैकुम पप्पा। काय का पप्पा बे, मैं तेरा कोई पप्पा पप्पा नहीं हूँ। अरे पप्पा मेरी नहीं तो मेरी माँ का ही ख्याल रखने, अंदर तो बुला ले। अम्मा को साथ लाने का मकसद क्यों आया? अरे हम तुम्हारी कुड़ी का रिश्ता लेकर आए हैं अपने पुत्र के लिए। है? आप लोग भी रिश्ते के लिए आए? हाँ चलो आ जाओ, आए 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 आए, आप भी आए, डबलिंग हो गई। अबे तू, अबे तू, तू इधर क्या कर रहा है? अबे मुझे तो आना था, तू यहाँ क्या कर रहा है तोतले? ए खबरदार, जो मेरे बेटे को तोतला बोला तो, तोतले को तोतला नहीं कहूँ तो लंगड़ा कहूँ क्या? अबे ओ भूती दल ते, दल में आया वो नितल ले आते। अरे भाई एक मिनट, आराम से बात करें, क्या हो रहा है?